तो वहीं शिक्षा मंत्री 20 मार्च से 9 दिनों के इंग्लैंड दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में एक एनजीओ द्वारा विश्व स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न देशों के शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे और अपने अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों को बताएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर हरियाणा के लिए जो भी फायदेमंद होगा उसे हम लागू करेंगे। देखिए, एक एनजीओ है जो विश्व स्तर पे काम करती है एजुकेशन के लिए, वो हमें मिली थी और उसने हमें कहा कि हम इंग्लैंड में इस प्रकार का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें दूसरे देशों से भी लोग आ रहे हैं और हमारे देश के भी कई प्रदेशों के जो शिक्षा मंत्री हैं उसमें भाग ले रहे हैं। तो हमारा आपसे है कि आप भी आए, तो हमने उसका प्रोग्राम बना लिया और मैं भी और हमारे जो डायरेक्टर एजुकेशन है, हमारे ACS हैं, हम सब उसमें जा रहे हैं और हम देखेंगे। तो अब शिक्षा में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, कहीं नया नया एक प्रयोग कर रहे हैं लोग, वो प्रयोग कितने सफल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो भी प्रयोग हो रहे हो सारे सफल यहाँ भी होंगे। तो हम वहाँ देखेंगे किस प्रकार से वो अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनमें क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो हमारे लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। हमारा 4 दिन का वहाँ है और उस 4 दिन में वो सारा कुछ हमें दिखाएंगे, निश्चित तौर से जानकारी बढ़ेगी उसमें और एक पूरे विश्व में किस प्रकार से उसकी जानकारी बढ़ेगी हमारी, निश्चित तौर से उससे लाभ होगा उसकी जानकारी।